हेलो गाइस, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। औरतों को या तो कहा जाता है कि वह आईएएस कर सकती हैं, या तो केएस कर सकती है, लेक्चरर बन सकती है, या तो टीचर बन सकती हैं। जब लड़कियां या औरतें जिमिंग की फील्ड में जाएं, वेट लिफ्टिंग करें, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम मर्दों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक हो। और ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ है उपासना। उपासना से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने मर्दों को धूल चटा दी। तो उपासना, सबसे पहले वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, और क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज दे रही हूँ तो नर्वस भी हूँ, सो बट ओवरऑल इट्स अ गुड फीलिंग। अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बताइए, जिमिंग कब से करना स्टार्ट किया आपने? जिमिंग बेसिकली मैंने 1.5 ईयर पहले से शुरू कर दिया था। आई वॉज मोर इन टू वेट लॉस प्रोसेस। मैं वेट लॉस प्रोसेस के अंदर वहाँ पे गई थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन था ऑलरेडी, मेरा फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई था। तो 1.5 साल पहले व्हेन आई गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर डाइट एंड द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्क्वाट्स अकेडमी की गाइडेंस में मुझे मालूम चला कि लाइक कार्डियो इज़ नॉट अ वे टू वेट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिमिंग इंपॉर्टेंट है, वेट्स लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल वे आपकी बॉडी इस तरह से काम करती है। तो 1.5 ईयर पहले मैं वेट लॉस प्रोसेस के अंदर लाइक गई थी जिम करने के लिए, बट पावर लिफ्टिंग एंड ऑल दैट में मैं भी बहुत रिसेंटली आई हूँ, लाइक वेरी 6 months or 7 months बैक। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जिम तो चली गई लेकिन इनका ना कोई ट्रेनर था, ना इन्होंने ट्रेनर को वहाँ पे मतलब सोचा कि किसी ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग ले। ये अपनी वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखती थी और खुद यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर देती थी और देखती थी मैच करके कि कितना कंपैरिजन है इनकी वीडियोस के बीच में। तो बताइए, हमने ट्रेनर के मतलब ट्रेनर के पास क्यों नहीं गई किसी? बेसिकली जम्मू में वेट लॉस के प्रोसेस को लेके काफ़ी मिथ्स होते हैं। जिसको भी मैंने पूछा वेट लॉस कैसे करना है तो जैकेट पहनो, बहुत सारा बाम लगाओ, इतने शूज़ पहनो, ये करो वो करो, फिर भागना शुरू कर दो। देवर सेंग कि लाइक जो पसीना है ना वो फैट्स है, वो मक्खन जरा पिघलेगा तो आप पतले हो जाओगे। बट बिकॉज मेरा वेट उस टाइम पे 150 kg था, और 150 kg का कोई बंदा भाग रहा होता है ना तो उसके नीज में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, दैट वॉज नॉट अ गुड साइन। तो ऊपर से लूज स्किन का बहुत इशू हो जाता है, और ये वेट जो आप लूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ कार्डियो बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। बहुत सारे मिथ्स से डाइट के बारे में पूछा तो बोलते हैं कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लो, भूख बहुत लगती थी तो मैनेज नहीं हो पाता था, बोलते एक चपाती खाओ छोड़ दो, उबली हुई दाल खाओ, वॉमिट आना शुरू हो गया था, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। देन आई थॉट कि नहीं, ये तो रास्ता नहीं हो सकता। देन आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द थिंग्स कि लाइक कैसे बाहर के लोग कैसे करते हैं, जो मेनली बाहर वेट लॉस प्रोसेस होते हैं लोगों के, वो उनका डाइट कैसा होता है, सब कुछ कैसा होता है। देन आई केम अक्रॉस दिस अकेडमी, स्क्वाट्स अकेडमी, पुणे बेस्ड है ये। उन लोगों ने क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन का एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपका डाइट एक बैलेंस तरीके से होता है, प्लस आपका वेट लॉस जो होता है वो कार्डियो से नहीं होता है, कार्डियो आपका एंड्योरेंस के लिए है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक वेट्स लिफ्ट करना, आपको मसल मास इंक्रीज करना है। जितना आपका मसल मास इंक्रीज होगा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, अपने आप फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। उस तरह से फिर मैं लाइक कैरी ऑन किया। तो जम्मू के ट्रेनर से मैं कभी रिलाई नहीं कर पाई। जम्मू के जो मेरे जिम में सीनियर्स थे जो बहुत देर से जिमिंग कर रहे थे, वो मेरी हेल्प करते थे, जैसे कोई हाई वेट उठाना है तो वो सपोर्ट के लिए, तो दे वुड हेल्प मी एज अ सपोर्टर। ट्रेनिंग के मामले में स्क्वाट्स, नथिंग एल्स। कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप पावर लिफ्टिंग कर सकती है? किसी ने बताया आपको कि आपको खुद ही दिमाग में आई ये चीज़? नहीं, मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई। मुझे लगा कि मैं बस वेट लॉस कर रही हूँ एंड ऑल दैट, और मैं उससे बहुत खुश थी। अपने मेरे कपड़े मगर लूज़ होते दिख रहे थे, टोनिंग होती दिख रही थी, मैं बहुत उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। सभी लोग जब अप्रिशिएट करते कि हाँ तुम्हारा डाइट बहुत अच्छा है, ये तुम काफ़ी रिजल्ट देख रहे हैं, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। बट क्या हुआ, स्क्वाट्स अकेडमी का मीटअप्स होते हैं, जितने भी आपके मेम्बर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं या इंडिया में हैं, स्टेट लेवल पर जितने भी हैं, वो लोग महीने में एक बार या दो बार मिलते हैं एक दूसरे से। तो इस टाइम पे करंटली जो एनी टाइम फिटनेस नरवाल है, उनके ऑनर है नितिन एब्रोल, वो भी स्क्वाट्स एकेडमी के मेंबर हैं। हम लोग जब मिले और शेयरिंग किया कि आप कितना स्क्वाट्स लगाते हो, आप कितना डंबल प्रेस लगाते हो, उसमें जब मैंने अपने नंबर शेयर किए कि मैं इतने का डंबल प्रेस लगाती हूँ या इतने का स्क्वाट, देवर लाइक कि ये झूठ बोल रही है, ये इतना हैवी नहीं कर सकती है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि इसमें हैवी क्या है, मतलब क्योंकि मैंने लड़कों को जिम में इतना हैवी करते देखा था, तो आई वॉज लाइक मैं तो उनसे कम ही कर रही हूँ, 90 का स्क्वाट कोई हैवी थोड़ी होता है, मेरे को दिमाग में तो यही चीज़ थी। तो जब नितिन ने मुझे बोला कि उपासना जो तू कर रही है ना वो नॉर्मल लड़कियां नहीं करती हैं, वेट लॉस में भी उनसे नहीं हो पाता है, यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को एक रास्ता दो,
वहां से मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं अभी नॉर्मल वेट लॉस पे नहीं हूँ, मेरा शायद मसल मास इंक्रीज हो रहा है, बॉडी टोनिंग स्टार्ट हो रही है, तो मुझे किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहिए। फिर उसी जिम में, वॉल्यूम जिम में, एक रक्षिता की लड़की, वो भी पावर लिफ्टिंग खेलती थी, उन्होंने मुझे पंप किया कि लाइक जस्ट गो फॉर अ कॉम्पिटिशन, यहाँ पे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक बार ट्राई तो करो, जाके देखो तो सही। एंड आई गॉट सिल्वर मेडल इन दैट द वेरी फर्स्ट। नॉर्मल लड़कियाँ कितना पावर लिफ्टिंग में वेट उठाती हैं और आप कितना पावर लिफ्टिंग में वेट उठाती हैं? कैटेगरी वाइज होता है बेसिकली। रक्षिता बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बहुत अच्छी प्लेयर है। दैट टाइम शी यूज टू लिफ्ट लाइक बेंच का वो 60 उठाते थे, डेड लिफ्ट का मुझे 120 समथिंग, 140 के आसपास मुझे उनका याद है, और स्क्वाट्स का भी 100 समथिंग का मुझे उनका याद है। मोस्टली लड़कियां बेंच 40, 30 या फिर खाली रॉड जो 20 की होती है वही उठाती हैं, स्क्वाट्स भी 40 और 50, 60 के एवरेज में उठाती है नॉर्मल मेजोरिटी, एक दो को छोड़ के। जैसे मलवी है वो स्ट्रांग उठाती है, रक्षिता काफ़ी स्ट्रांग उठाती है। तो मेरा उस टाइम पे नंबर था डेड लिफ्ट स्ट्रेट मेरा 100 था। तो और मैं कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विप्ड कैटेगरी में नहीं खेलती हूँ, कुछ भी मैं रैप्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, ऑलवेज मैं रॉ खेलती हूँ। डेड लिफ्ट मेरा इस टाइम पे करंटली 115-120 के आसपास है, स्क्वाट्स मैंने 90 पे टच किया हुआ है, बेंच 60 तक मेरा करंटली है। जब लड़के जिम में जाते हैं तो उनका मेन मकसद होता है कि वो अपनी गेम पे फोकस करें, लेकिन जब लड़कियां जिम जाती हैं तो उनका दो चीज़ों पे फोकस होता है, एक तो हमारी बॉडी जो है कहीं से दिखने रही है, दूसरा फोकस होता है हमें अपनी गेम करनी है। तो ऐसे कितने इंसिडेंट आपके सामने आए जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ? चूँकि मैं काफ़ी हेल्दी थी और हूँ भी अभी करंटली, बट कंपैरेटिवली मैं पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, तो कभी कोई एक्सरसाइज करो स्ट्रेचिंग वाली आपकी टॉप उठ जाती थी ना, तो स्टार्टिंग बड़ा कॉन्शियस होता कि लाइक टॉप ठीक रहे मेरी, अच्छा बम्स तो नहीं दिख रहे हैं, अच्छा ये तो नहीं दिख रहा है, ऐसे मैं ना बाबा टॉप एडजस्ट करती रहती थी। स्लोली एंड स्लोली आई फेल्ट लाइक वो श्री कृष्णा बोलते हैं ना, सब मोह माया है एंड ऑल दैट, ये शरीर क्या है बंधु, ऐसा वैसा वो सब दिमाग में आना शुरू होता था। एंड आई यूज टू थिंक कि ये जो अभी तेरे फैट्स देख रहे हैं ना लोग घूर घूर के, देख कितनी मोटी है, कल को तेरी बॉडी की फॉर्म देखेंगे, यार ये बंदी उस टाइम पे ऐसी दिखती थी अब ये ऐसी दिखती है। तो बाद में फिर इतना कॉन्शियस नहीं रहा मुझे कि लाइक मेरे टॉप लिफ्ट हो रही है या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि मेरा ट्राउज़र कभी कहीं से कट गया, कुछ हो गया, मुझे किसी ने बोला पास तुम्हारा ट्राउज़र कटा हुआ है तो चेंज करके, और आई वाज लाइक छोड़ो यार मैं गेम करने के बाद चेंज करूँगी, तो बाद में तो हट ही गया दिमाग से ये चीज़ें। कभी ऐसा हुआ है कि लड़कों के साथ कंपटीशन लगाया हो और लड़कों को हरा दिया हो? हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट एक इंसिडेंट जो मुझे बहुत याद है, आई वोंट नेम दैट पर्सन, अगर वो ये वीडियो देखे मेरे को मालूम चल जाएगा, वैसे सॉरी हाँ मैं नॉर्मली ऐसा बोल रही हूँ। हमारे जिम में एक जिम जिसमें पहले कभी जाती थी, वहाँ पे कंपटीशन था बाइसेप कर्ल्स का, हम लोग कंपटीशन करते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी कंपटीशन था, मजाक मजाक में सबने पंप कर दिया कि लाइक, क्योंकि उस टाइम पे उस जिम में बहुत हैवी लिफ्ट में कर रही थी और वो लड़का भी वहाँ पे एज अ ट्रेनर था, वो बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा था और बहुत से कॉम्पिटिशन जीत चुका था, तो हम बाइसेप कर्ल का कॉम्पिटिशन हम लोग कर रहे थे। मेरे ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा सा लाइटर वेट दिया गया था, 15 kg के आसपास, उसको 20 kg का डंबल दिया गया था, बट और हमें टिल फेलियर वो लगाना था कि कितना मैक्सिमम आप लगा सकते हो। तो स्टार्टिंग के 10-12 रेप्स तो बड़े आराम से निकल गए, बाद में थकावट होनी शुरू हो गई मेरे को, बट आई जस्ट फोकस्ड एंड आई जस्ट केप डूइंग दिस 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 दिस। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ मैं कि शीशे, आंख खोली देखा शीशे में ऐसे करके, तो वो बंदा नीचे बैठा हुआ है ऐसे करके, एंड एवरीबॉडी वॉज लाइक वॉचिंग मी कि उपासना जीत गई है जीत गई है, और उस बंदे ने वो जिम ही छोड़ दिया, वो किसी और जिम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जब मैं उस वाले जिम में कभी उनसे मिलने के लिए गई, उन्होंने मुझे बोल दिया अगर तू इस जिम में आएगी ना मैं ये जिम भी छोड़ दूंगा। तो मतलब उस टाइम क्या फील हुआ कि भाई मैं तो आज सबको बरोस बोलते ना मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब तो नहीं मानने वाली मैं। उस टाइम पे ऐसा लगा कि वो लोग मेरा पहले मजाक बनाते थे बेसिकली, कि सुनती नहीं है, हम बोल रहे हैं कार्डियो कर उससे वेट लॉस होता है, नहीं सुनती है नहीं सुनती है। उस टाइम मेरे को ऐसा फील हो गया मैंने अपना जवाब दे दिया, तो बस ऐसा फील हुआ, मतलब तमाचा भी मारा और आवाज नहीं आई, जूता गीला करके बोलते ना मारना तो। बट उस टाइम पे वो ऐसा लगा कि एक ना एक लाइन मुझे मेरे सर ने बोली थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई, फिर मैं उनको क्या बोलती थी लोगों को कि मुझे हल्के में मत लो, मेरे को तो वेट मशीन भी हल्के में नहीं लेती, आप कैसे हल्के में ले रहे हो मुझे। तो आप भी सोचिए इनको कोई भी हल्के में नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ना जूता गीला करके डुबो डुबो के मारती है जिसको भी मारती है। तो आप मुझे बताइए लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि डाइटिंग का मतलब होता है कि इंसान को कुछ भी नहीं खाना है, तो ये किस हद तक सही है? डाइटिंग का मतलब कुछ भी नहीं खाना जो होता है वो बहुत चीज़ गलत है। क्या होता है आपकी बॉडी, समझ लो आपकी बॉडी एक ऐसा कॉम्पोजिशन है कि जब आप बहुत कम खाना शुरू करते हो आपकी बॉडी एडजस्ट होती है लोअर मेटाबॉलिज्म में, तो बॉडी ऐसा फील करती है कि कल को खाना नहीं मिलेगा, तो जब भी आप हल्का सा भी ज़्यादा खाओगे ना वो उसको स्टोर कर लेती है एज अ फैट,
कभी आप वेट लूज नहीं कर पाओगे। तो मेन फोकस आपकी बॉडी का कम खाना नहीं होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना होना चाहिए। अगर आप सपोज करो विद एग्जाम्पल आप इस महीने आई मीन हफ्ते में 100,000 कैलोरीज खा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते में आपको 1100 खानी चाहिए, फिर 1200-1300 ऐसे करते करते साइकिलिंग करनी चाहिए। उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मसल मास इंक्रीज होगा, और मसल मास इंक्रीज होने का बाय डिफॉल्ट मतलब यही होता है कि आपका बॉडी मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर रहा है। फिर अगर आप एक पूरा का पूरा पिज्जा भी खा जाओगे ना, आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। तो डाइटिंग इज अ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट टू स्टार्व योर बॉडी, इट इज़ टू लाइक एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है आपकी बॉडी को, हमेशा सरप्राइज देना है, उसके जो रिजर्व है उनको खत्म करना है, जो अंदर फैट रिजर्व उसने रखे हैं खत्म करना है। वो स्ट्रैटेजी से हो सकते हैं, कम खाने से नहीं हो सकते। मैं बहुत खाना खाती हूँ, इस टाइम मेरा कैलोरी जो इनटेक है 2200 कैलोरीज पे मैं हूँ, बट स्टिल मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, आई एम लाइक मेंटेनिंग दैट। अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट होंगी मेरी वापस वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं अभी फिलहाल पावर लिफ्टिंग खेल रही थी ना, तो उसमें कैलोरीज आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। अभी वापस कट डाउन होंगी तो वेट लॉस स्टार्ट होगा फिर से। आपका अभी का डाइट प्लान क्या है? मेरा डाइट प्लान सुबह के जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे ये कोई पतली नहीं होगी, बट मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में वापस मिलूंगी किसी और फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वीडियो सेव रखना और इसको कंट्रास्ट करके देखना फिलहाल बिफोर एंड आफ्टर। यस डेफिनेटली, फिलहाल मेरा डाइट प्लान मॉर्निंग में 7 अंडे होते हैं, मैं 7 अंडे खाती हूँ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड और इन द फॉर्म ऑफ ऑमलेट, एनी वे यू कैन हैव इट। प्लस दूसरा, मेरी डाइट में चीज ऑमलेट है, प्लेन ऑमलेट भी नहीं है, चीज़ के स्लाइसेस डाल के यू कैन हैव ये चीज़ ऑमलेट, 7 eggs का होता है। उसके बाद ग्रीन टी या कुछ भी है, वो ऑप्शनल है, उससे कुछ फ़र्क लिटरली पड़ता नहीं, ग्रीन टी या कॉफ़ी से आपका वेट लॉस कभी नहीं होता। तो दोपहर में आके 200 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट के थोड़े से राइस और दही होता है। फिर शाम को मेरा जिम वगैरह शुरू हो जाता है, उसमें मैं इन्जॉय माई कॉफ़ी, क्रीमी कॉफ़ी, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बोलते हैं उसको। उसके बाद रात को फिर से चिकन और राइस है, और ये कंसेप्शन है कि राइस से मोटे होते हैं, नहीं, मेरी डाइट में 200 grams ऑफ राइस डेली है। तो मेरा डाइट क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन का है, हर एक चीज़ मेजर करके बैलेंस करके है, कुछ भी रैंडमली नहीं है कि किसी ने बोला क्या खाना, भाई खीरा खा लो, कितना खीरा, प्लेट भर के, बाउल भर के, मेजर तो करो कितना किलो है वो। वो चीज़ क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बेसिकली डाइट का कॉन्सेप्ट है, एंड ऑल थैंक्स टू माई स्क्वाड्स अकेडमी, उनके थ्रू से ही मालूम चला है क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन क्या होती है। और जो नितिन है एंड टाइम फिटनेस के ऑनर, उन्होंने भी लाइक क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन की हेल्प से बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प किया है वेट लूज प्रोसेस में। दैट्स द डाइट। तो अभी हमें थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपकी जो फैमिली है वो प्योर वेजिटेरियन है, तो कितना मुश्किल होता है, आपने एक अलग से किचन बना के रखी है अपने लिए, एक साइड से आपके घर वाले प्योर वेजिटेरियन और एक साइड से आप बोलते ना तगड़ा मुर्गा पाड़ने वाली, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, तो इतना ज़्यादा रिपेल मिला था उनसे कि माय फादर वाज नॉट इवन टॉकिंग टू मी वेरी प्रॉपरली, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो क्या बोलते हैं, मेरे डाइट को तू लाश खा रही है। तो वो ना सुन के ना फिर बड़ा अजीब लगता था, डेड बॉडीज खा रही है तू, उनको मार रही है, तेरे को शर्म, तेरे को फीलिंग नहीं आ रही उनके लिए, वो तड़प रहे हैं, वो मर रहे हैं, ऐसे से बोलते रहते थे मुझे वो स्टार्टिंग में। बिकॉज मैंने बताया ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डाइट को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं, हमारे में जो चिकन खाता है वो मोटा होगा, दिमाग में ऐसे लोगों के है। तो माई फादर यूज़ टू थिंक कि मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, बट टेस्ट के लिए खा रही हूँ, उनको बस बोल रही हूँ कि मैं डाइट कर रही हूँ। पर जब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में आ गई पूरी की पूरी, नाउ एवरी पर्सन इन माई फैमिली सपोर्टिंग मी। इनफैक्ट कई बार मेरे मदर मुझे बोलते हैं कि लाइक तुम्हारा चिकन ना बॉक्स में वहाँ रख दिया, वो उठा लेना, यहाँ तक भी हेल्प करते हैं। फादर मेरे एग्स ला के दे देते हैं मेरे को, बनाएंगे नहीं क्योंकि टच नहीं करेंगे, वो खाते नहीं है, तो लाइक बार ला के दे देंगे मुझे। या कभी बेस्ट फ्रेंड्स जाएंगे तो पापा चिकन ले आना आते हुए कि हाँ ठीक है, वो पॉलिथीन अलग से लेकर आ जाएंगे, वो इतना अभी इस टाइम पे हेल्प करते हैं। बट स्टार्टिंग में तो टोटली एक चीज़ अभी भी है, किचन सेपरेट ही है अपना, उसमें बनाओ, उसी में बर्तन मांजो और रखो उधर ही। मतलब एक चीज का उनको फायदा हो जाता है कि आपकी डाइट जो है, आपकी जो मील है वो आपको खुद बनानी है, वो उनको नहीं बनानी पड़ती, मतलब अपने हिस्से का खाना बनाया, आराम से बैठ गए, जब खाना होगा खुद ही खा लेगी। एग्जैक्टली, प्रोटीन शेक बनाने में हेल्प करते हैं मेरे फादर, मेरा प्रोटीन मेंटेन करने में, वो वे प्रोटीन जितना भी बनाना है वो मेरे फादर बना के रख लेते हैं 2-3 दिन का इकट्ठे ही, कि बनाना डाल दिया, मैंगो डाल दिया, मिल्क और वे प्रोटीन डाल के पूरा मिक्स के बना दिया, तो डेली का 2-2 गिलास पकड़ा दिया मुझे कि हाँ इसमें एक स्कूप है, इसमें वो, उनको याद हो गया अब एक स्कूप का मतलब क्या है, 1.5 स्कूप का मतलब क्या है। वे प्रोटीन, राइस, इन दो में वो मेरी हेल्प करते हैं, एग और चिकन मैं खुद बनाती हूँ। जब स्टार्टिंग में आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, और रिश्तेदार क्या बोलते थे? ओहो, रिश्तेदार रिश्तेदार तो मतलब रिलेटिव्स आई थिंक मेन रीज़न थे कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है,
मेरे रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को मतलब एक प्रेशर अजीब सा क्रिएट कर दिया था. एक टाइम ऐसा था बीच में कि माय पेरेंट्स वर नॉट प्राउड ऑफ मी एनीमोर. वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे कि लाइक हमारी बेटी ऐसा कुछ करके. मैंने अपने पापा की नज़रों में वो चीज़ फील की थी कि वो मुझसे काफ़ी दूर हो गए थे. कहीं पार्टीज़ में जाना हो कुछ करना हो मेरे छोटे भाई साथ जाता था उनके, मैं कभी नहीं जाती थी. मेरी मदर हमेशा सपोर्टिव रही बट पापा की नज़रों में मैंने फील किया कि वो मेरे को लेके खुश नहीं है अभी, क्योंकि रिलेटिव्स अदर रीज़न, सोसाइटी इज़ द रीज़न. वो प्रेशर था, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बेटी ये है, आपकी बेटी वो, शादी नहीं हुई अब तक, उसका ये नहीं किया आपने अब तक. तो वो चीज़ कहीं ना मेरे ऊपर एक वो चीज़ आ गई थी कि मुझे कुछ करना है. ठप्पा लग गया था. हाँ, मुझे कुछ करना है, पर मुझे वो करना है जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ. अकेडमिक्स में मैं नहीं हो पा रही थी, मुझसे IAS क्लियर नहीं हो सकता था. मुझे पता है मेरी इतनी सीटिंग नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ वो चीज़. MBA के जॉब्स मैंने बहुत अच्छे किए थे, उसमें मेरा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था. प्लस जिमिंग एंड स्पोर्ट्स में बचपन से वैसे करना चाहती थी, मेरा बहुत शौक था स्टार्टिंग से करने का इसको. फिर मैंने उस रेजिस्टेंस को दिमाग में आया कि पास ना जब सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी ना, जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो जितने लोग एंटी हो गए सभी अपने आप वापस आएंगे. और मालूम कल क्या हुआ है, आफ्टर माय फर्स्ट इंटरव्यू विद श्वेतिमा यस्टरडे, कल हमारे रिलेटिव्स मिलने आए हैं वो डब्बे शब्बे लेके, एंड मैं किसी से नहीं मिली. मैंने कहा मैं सोई हूँ. वही याद आया होगा ना पुराना टाइम जो बीचिंग किया करते थे और अभी आ रहे हैं कि बस मैं कुछ स्टेप आउट करने लगी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी हूँ, तो आगे अब ऐसा फीलिंग होता है. बट मम्मा की बात रहती है मुझे हमेशा याद कि जब बुरा टाइम था तो हौसला नहीं खोना, और जब अच्छा टाइम है तो घमंड नहीं करना. तो वो घमंड मैं कभी नहीं करूँगी. और मेरे रिलेटिव्स में भी और जो रिलेटिव्स में नहीं भी हैं, कोई भी जिसको भी मेरा हेल्प कभी भी ज़रूरत होगा इस चीज़ में, आई विल डेफिनेटली वर्क आउट बिकॉज वुमेन कैन हेल्प वुमेन ना. तो वैसा फीलिंग मेरे मन में हमेशा रहता है. बट आई थिंक थोड़ा बहुत ही सही, बट नाउ माई पेरेंट्स आर लाइक ओके विद मी नाउ. कितने कॉम्पिटिशन आज तक आपने जीते हैं और खेले हैं और साथ में जीते भी हैं? कॉम्पिटिशन्स मेरे ख्याल से नेशनल 2 लगाए हैं मैंने. एक बेंच प्रेस का नेशनल था पुणे में, एक लखनऊ में था. उसके बाद इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम मैंने इस बार प्ले किया है. और अज्जू सर ने मेरी बहुत हेल्प किया. अज्जू सर हमारे जम्मू के जो फेडरेशन है उनके हेड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पंप किया मुझे. हमेशा कोई भी कॉम्पिटिशन आता था ना, मुझे कॉल करते हो पास ना, यू हैव टू पार्टिसिपेट. सर आई एम नॉट रेडी. नो नो नो, यू हैव टू पार्टिसिपेट. तो अज्जू सर ने बहुत पंप किया है. उसके अलावा उन्होंने स्टेट में मुझे खिलवाया 3 बार, स्टेट बार 3 बार खेला, डिस्ट्रिक्ट खेली हैं 2 बार, टोटल 8-9 कॉम्पिटिशन खेले. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो आपने खेला, इसमें आपकी 5th रैंक आई थी, तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहा? अब मैंने सुना है कि आपकी जो है कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हो गई है. वहाँ पे कॉमनवेल्थ को लेके अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट जिन्होंने इस बार का वो खेला था वहाँ पे जापान में, मेरे को ये सुनने को आया था वहाँ से, वो मालूम चला, सर ने बताया था वहाँ पे जो हमारे साथ गए हुए थे कि लाइक जिन्होंने ये लाइक खेला है इन्हीं मर्डर विनर्स के, वहाँ पे कॉमनवेल्थ में भी आगे जाने के चांसेस हैं. उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे आया नहीं है, वो तो मैं वेट करूँगी अज्जू सर जो बताएंगे क्या उपासना करना है आगे. जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप हमें बताएंगे. डेफिनेटली आई विल कॉल यू ऑन योर नंबर. डेफिनेटली आई विल. तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था लाइफ का? इमोशनल मोमेंट था बहुत ज़्यादा रिसेंटली, यही जापान ट्रिप के लिए जब मैं दिल्ली पहुँची थी होटल में अपने किट लेने के लिए. मैंने मूवीज़ में हमेशा देखा था, वो मिल्खा सिंह वाली मूवी में जब वो ब्लेजर पहन के आए थे ना और उस पर इंडिया का यहाँ पे लोगो लगा था, उनकी सिस्टर ने उस लोगो को टच किया था एंड शी वॉज क्राइंग. एंड सेम थिंग हैपन्ड विद मी इन दिल्ली. जब मैं वो किट लेके आई थी, आई होल्डेड दैट किट लाइक दिस, जैसे एक आर्मी पर्सन एक फ्लैग को होल्ड करता है, मैंने उस किट को ऐसे होल्ड किया, उस पर वो इंडिया लिखा हुआ था. तो वो लेकर मैं रूम में आई, मैंने पापा को दिखाया, पापा कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बट उनके वो सुनते सुनते मेरे को रोना आ गया. मैंने कहा मैंने ये सब सपने में देखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था और मैंने कभी दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को लोग कभी जानेंगे. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था. आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन. तो वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए जब एक बार हमारे यहाँ पे स्टेट कॉम्पिटिशन था, आई वॉज इन हॉस्पिटल. मैं वहाँ से झूठ बोल के निकली थी कि मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ, मेरे इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी यहाँ पे ड्रिप के पिंस लगे हुए थे. बट अगर मैं वो कॉम्पिटिशन नहीं खेलती तो शायद आज मैं जापान वाले इसमें नहीं पहुँच पाती. तो मैं झूठ बोल के वहाँ से निकली थी कि मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, जल्दी आऊँगी. और वहाँ से निकल के मैं कॉम्पिटिशन खेलने के लिए गई थी भगवती नगर. वहाँ जब मैंने कॉस्ट्यूम पहनने के लिए इसको उठाया तब लोगों को दिखाई दी कि मेरे यहाँ पर ड्रिप्स लगी हुई हैं. ऑल दो उसके बाद बहुत डांट पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा, बट तब तक देर हो चुकी थी. मैंने लिफ्ट लगा दी थी, मैं जीत चुकी हुई थी, मेडल मुझे मिल चुका था. वो उस टाइम मुझे फील हुआ कि वास्ता तुझे कोई चीज़ अब रोक नहीं सकती, तुझे हरा नहीं सकती, अब तुझे हॉस्पिटल की ड्रिप्स नहीं हरा सकती. तुझे खुद का पावर नहीं था अंदर,
8 दिन से हॉस्पिटल में थी तो पावर नहीं था, कुछ भी एनर्जी नहीं था, बट एक ही चीज़ थी, नहीं 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 इट्स नाउ और नेवर, यही मूवमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स लाइफ में आए थे। लोगों को जिमिंग और प्रोटीन वगैरह को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होते हैं, इवन लड़कियों को भी कहते हैं अगर आप ये करोगे तो कल को आपका बेबी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो कितने मिथ्स आपने सुने हैं और लोगों के क्लियर किए हैं आज तक? बहुत ज़्यादा, जिनमें से बहुत कॉमन मिथ है जो हमारे घर में प्रेवलेंट है, पानी खड़े होके नहीं पीना। क्या पानी घुटने में डायरेक्टली जाता है? ऐसा कुछ स्क्वाट्स अकेडमी में आपको बता रही हूँ, स्क्वाट्स अकेडमी मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, अगर आप लोग नेट पे स्क्वाट्स या फिटर सर्च करेंगे, द फिटर इज़ FITTR, उसको सर्च करना, वो लोग वहाँ पे बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा कुछ, चावल को बुरा मानते हैं ना, चावल से मोटे होते हैं, चपाती से पतले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे सुने हैं पानी खड़े होके नहीं पीना, दही रात को नहीं खाना, सुबह सुबह, अच्छा अंडे दो से ज़्यादा नहीं खाना, अंडे गर्म होते हैं ये हो एग जाएगा, योक नहीं खाना। एग योल्क, एग्जैक्टली एग योल्क नहीं खाना, उससे मोटे होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रूट जो, शाम को नहीं खाना और जो, हाँ फ्रूट क्योंकि शाम, उनकी इंटेक उसमें ज्यादा होती है। एग्जैक्टली दूसरा, और जब डाइटिंग पे हो तो फ्रूट्स किलो किलो खा लो जबकि बाकी चीज़ें मत खाओ, ये बहुत कुछ मिथ्स हैं जो एक्चुअल में दे नीड टू बी बस्टेड। खासकर बनाना को लेकर भी काफी मिथ्स होते हैं मेरी कि डाइट में 2 बनानास दिन के डेली हैं, और बनाना इज़ अ बेटर देन एनी अदर फ्रूट, और इससे कोई मोटा नहीं होता, और चिकन से कोई, अच्छा लोग बोलते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैंने बहुत सुनी है कि मसल जो है ना वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट है ना वो मसल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, फैट फैट होता है, मसल मसल होता है, जब आप मसल गेन करना शुरू करते हो तो फैट अपने आप बर्न होना शुरू हो जाता है, तो ये जो इंटरचेंजेबल चीज़ें नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है जिम में कि आपको ना फैट, आपको वेट लॉस करने के लिए मसल गिराना पड़ेगा, अरे नहीं भाई मसल नहीं गिराना पड़ेगा, फैट गिराना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी भी हमारे यहाँ पे। ये थी हमारे साथ उपासना महाजन, वर्ल्ड चैंपियन, जापान में इन्होंने जो है चैंपियनशिप जीती थी, पावर लिफ्टिंग करती हैं, जिमिंग करती है और लड़कों को धोबी पछाड़ दे देती हैं। तो ऐसी किसी और शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे, श्वेता सपूर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।